Oh, beautiful people, welcome to Lucknow Locals. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक फ्राई पैन के बारे में जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा नया है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से खरीदा है और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रेयर चीजें होती हैं जो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता हूं जब मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैरेटो की ब्रांड न्यू सीरीज, जिसको हम आइसक्रीम सीरीज भी कहा जा सकता है और व्हाइट मार्बल सीरीज भी इसको कहा जा सकता है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है, ये एक ऐसा नॉनस्टिक है जो कि एक तरीके से मुझे लगता है इसमें हेवी और हार्मफुल मेटल्स का यूज नहीं किया, जैसे कि लेड और कैडमियम का। तो चलिए जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। अगर आप एक फ्राई पैन लेने की सोच रहे हैं जिसमें ऑयल कम यूज कर सके या ना के बराबर यूज कर सके, तो यहां पे ये फ्राई पैन काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत ही बेसिक रेट पे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पैकेजिंग काफी ठीक ठाक दी हुई है, जिससे अगर ट्रांसपोर्टेशन में ये आपके पास आता है तो अच्छे तरीके से और बिल्कुल भी डैमेज ना होते हुए आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फ्राई पैन देखने को मिलेगा कैरोटी की पैकेजिंग के साथ। इसको जब हम लोग यहाँ पे साइड में रख लेते हैं और इसके साथ मिलेगी काफी ज्यादा लाजवाब लेड। तो यहाँ पे ये दो चीजें देखने को मिलती हैं, पैकेजिंग लाजवाब है। तो इसको जरा हम लोग बंद कर देते हैं और कर देते हैं जरा सा इस तरीके से रख लेते हैं, जिससे आपके लिए देखने में भी आसान रहे। तो यहाँ पे ये लिड देखने को मिलती है और ये फ्राई पैन देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे हम ढक्कन की। तो ढक्कन में जैसे कि आपने नॉर्मली लिड देखी होगी, जैसे प्रेस्टीज की आती है या और भी जितने ब्रांड्स की आती है, लगभग से ग्लास तो उसी तरीके से सेम देखने में लगता है। यहाँ पे आपको कह सकते हैं इवेपोरेट करने के लिए यहाँ पे होल दिया हुआ है, जैसे कभी भी आप कुकिंग करें तो एक्स्ट्रा स्टीम यहाँ से इवेपोरेट होते रहे। और साइड में आपको दिया हुआ है स्टील की रिम, जिसमें ग्लास बहुत तरीके से फिट होता है। यहां पे सिल्वर कलर का कैरोटे की ब्रांडिंग दी हुई है और मैं आपको बता दूं फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और बहुत लग्जरियस फिनिशिंग देखने में लगती है। अगर आप इसको अपने किचन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि कैरोटे के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग दिखेंगे एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और दिखने की बात छोड़ दीजिए कुकिंग एक्सपीरियंस भी काफी लाजवाब रहेगा। तो यहां पर अगर आप नॉनस्टिक की रेंज देख रहे हैं तो ये रेंज थोड़ी सी अलग है और मैं आज आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा वीडियो में जल्दी से। तो चलिए लिड तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, 24 सेंटीमीटर की है, इसको जरा साइड में रख लेते हैं और अब दिखाते हैं फर्स्ट लुक। इसके आइसक्रीम सीरीज कहा जा सकता है, नहीं तो इसको कहा जा सकता है व्हाइट मार्बल सीरीज, जो कि आपके सामने ये रहा। तो कैरोटी का ये फ्राई पैन कितना खास है, जरा इसको जूम इन कर देते हैं जिससे आप इसको और भी आसानी से और डिटेल में देख सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हैंडल के शेप की। तो ये हैंडल का शेप काफी आर्गोनॉमिक दिया हुआ है, जिससे आप किसी भी गैस स्टोव में यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छी स्पेस मिलेगी नीचे बेस से, और यहाँ पे उठाना और यूज करना इसको आसान है। कोई भी चीज आपको फ्लिप करनी है तो वो भी काफी आसान तरीके से आप कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हैंडल की अगर मैं टेक्सचर की बात करता हूं तो वुडन टेक्सचर में आता है, पर थोड़ा सा ये आपको ग्रिपिंग करने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि बिल्कुल भी स्किड रेजिस्टेंट है, मतलब ये इसमें हाथ फिसलेगा नहीं आपको जब भी आप कुकिंग करेंगे। तो इसकी अगर डिटेल आप देखना चाहते हैं तो ये रही फिलहाल के लिए इसकी डिटेल, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है। सिंगल स्क्रू से यहां पे टाइट होता है और जो स्क्रू है वो इनबिल्ट रहता है इस पूरे मटेरियल के अंदर। तो पहले जल्दी से यहां पे आपको पहले दिखा देता हूं, ये कैरोटे का फ्राई पैन है 24 सेंटीमीटर और ये गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक सब पे चलता है। तो मतलब ये इंडिया नहीं, अब्रॉड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हॉट प्लेट कंपैटिबल होता है। और यहां पे सबसे अच्छी चीज दी हुई है PFOA फ्री है, जैसे PFOA का मतलब हो जाता है कुछ बायफिनॉल के केमिकल होता है जो कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं किया जाता है, और नो लेड और नो कैडमियम, मतलब लेड और कैडमियम भी इसमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एक हद तक ये आपको हेल्दी कुकिंग करके देगा। हालांकि नॉनस्टिक है तो 100% हेल्दी तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट ये है कि एक हद तक अगर आप लेस ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है नॉनस्टिक में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन में मैं आपको कहूंगा कि 10 out of 10 है मेरी तरफ से, क्योंकि इतनी बेहतरीन डिजाइन और कम प्राइसिंग में कोई नहीं दे पाता। कम प्राइसिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। नीचे की अगर बेस की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है इंडक्शन बॉटम, इंडक्शन प्लेट काफी अच्छी तरीके से इंटैक्ट तरीके से लगी हुई है, जो कि इंडिया नहीं अब्रॉड में भी आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में अवेलेबल है। और यहां पर देखिए देखने को मिलेगा यहां पर जो इसकी फिनिशिंग दी हुई है वो व्हाइट मार्बल की तरह आइसक्रीम सीरीज है, जो कि आपको यहां पे देखने को मिलती है। अगर मैं इसको कंप्लीटली 360 डिग्री में आपको घुमा के दिखा देता हूं तो यहां पे कहीं भी जो नीचे का मेटल है, जो बेस मेटल है, वो एक्सपोज नहीं होता है। एक बार मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूं तो आपको इसकी क्वालिटी समझ में आएगी। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं
यहाँ पे मेरे पास एक प्रेस्टीज की बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज वाली सीरीज है जिसको हम कॉपर सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेस्टीज ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर कॉर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक मेटल एक्सपोज हो जाता है, ये जो बेस मेटल है जो इसका अंदर का मेटल है वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है जो कि एल्यूमिनियम होता है, और जिसकी वजह से साइड में पील ऑफ होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कैरोटी की, तो कैरोटी में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है कंप्लीटली, जैसे कि डाइकास्ट की तरह आता है तो उसी तरीके से ये होता है आपका। और यहाँ पे ये देखिए कहीं भी अंदर का मेटल जो है वो एक्सपोज नहीं होता, और जो कोटिंग होती है पूरी तरीके से सीमलेस और जॉइंटलेस टाइप से इसको की जाती है, जिसकी वजह से पील ऑफ होना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। और इसको जब भी आप यूज करिए तो एक चीज का प्रिकॉशंस की बात करिए तो 2 से 3 प्रिकॉशन जरूर ले लीजिएगा, जिससे वजह से इस टाइप के पैन खराब नहीं होंगे। पहली चीज है कि आपको लेस ऑयल कुकिंग करनी है, और अगर जब भी इसमें ऑयल रहता है तो तुरंत गर्म पैन में ही इजिली कोई भी ड्राई क्लोथ से इजिली ऑयल हटा लीजिएगा, और उसके बाद जब चाहे तब धुल सकते हैं। एक बेनिफिट और आपको इसमें मिल जाता है, जो इसका कुकिंग सर्फेस होता है वो 100% आपको बिल्कुल प्लेन फिनिशिंग में मिलेगा, कहीं भी रिपीट्स या पेंच देखने को नहीं मिलेंगे कुकिंग सरफेस में। तो यहाँ पे ये भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 3 रिपीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये रिपीट जो है एक तो हैंडल को मजबूत बना देती हैं नो डाउट, बट यहाँ पे जो कुकिंग सर्फेस में अगर हिंड्रेंस आ जाती है तो इतना पोर्शन कुकिंग में आप यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर यूज होगा तो यहाँ पे गंदगी फंस सकती है, और वो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे कैराटे में देखने को नहीं मिलेगी। 100% सीमलेस फिनिशिंग के साथ आता है। तो क्वालिटी की बात मैं करूँ तो इसीलिए मैंने इसको 10/10 डिजाइनिंग में दिया हुआ है, क्योंकि इन सब चीजों का जब ध्यान देते हैं तो आपकी कुकिंग काफी आसान हो जाती है। दो बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज है गरम पैन को ठंडे पानी में हीट शॉक नहीं देना, कोल्ड शॉक नहीं देना है। दूसरी चीज है जब तवा गरम है या पैन गरम है तभी इसका ऑयल आप इजीली क्लीन कर लीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसको सोप वाटर से इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो यहां पे ये पैन जो है इस समय लगभग 37% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है विद लिड। अगर एक ऑप्शन और है, अगर आप इसको विदाउट लिड लेना चाहते हैं तो विदाउट लिड भी अवेलेबल है, काफी अच्छे डिस्काउंट में है। और ये डिस्काउंट लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका बाय लिंक दे रखा है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब इसमें साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, यहां पे मैं दिखा रहा हूं एक मीडियम साइज बेसिक साइज जो कि 24 सेंटीमीटर का है, मगर आप इससे अगर छोटा साइज भी लेना चाहते हैं 20 सेंटीमीटर का वो भी अवेलेबल है, और इससे बड़ा साइज 26 सेंटीमीटर भी अवेलेबल है। तीनों का बाय लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें 2 या 3 तरीके की सीरीज आती है, अगर आप व्हाइट सीरीज या आइसक्रीम सीरीज इसकी लेना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज इसकी आपको ग्रेनाइट या ब्लैक सीरीज भी आपको मिल जाती है, दोनों में से जो आपको पसंद हो। ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें अगर नॉनस्टिक की बात करी जाए तो मैंने कंपेयर किया है काफी अच्छे अच्छे ब्रांड से, तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, और इसका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी मुझे काफी ज्यादा दिखा है, क्योंकि ये मेरे को रिकमेंड करे थे मेरे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर ने, और मुझे काफी ज्यादा, मेरे को पहले डाउट लग रहा था कि कौन सा ब्रांड है और पहले मैं जानता नहीं था इसके बारे में, बट ये है कि जब जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगाया है, देखा है और एक आध बार यूज करके भी देखा है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इसकी दिखी है। बस 2-3 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप नॉनस्टिक को यूज कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। ये पैन्स जो होते हैं वो फास्ट कुकिंग रेसिपीज के लिए होते हैं, लेस ऑयल कुकिंग रेसिपीज के लिए होते हैं, तो जैसे ही बनाइए और उसके बाद अपने कुकिंग रेसिपी को हटा के और फिर इसमें इजीली क्लीन कर लीजिए। अगर इसको आप रफ तरीके से यूज करेंगे तो नॉनस्टिक पैन आपके लिए नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं कि कैराटो की ब्रांडिंग जो यहाँ पे दी हुई है, इसके बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, और रीजन में मैं अभी जल्दी से भी बहुत सारे इसके और भी नए प्रोडक्ट्स इसके जरूर अनबॉक्स करूंगा, क्योंकि मुझे काफी अच्छी और बहुत प्यारी सीरीज लगती है, देखने में काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप एक ऐसा प्लान कर रहे हैं इस टाइप का फ्राई पैन लेने के लिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं अगर नॉनस्टिक सीरीज में आप कोई चीज लेना चाहें तो इन सब के बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं, चाहे तो इसको यहां से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।